हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उदयपुर के एक खूबसूरत पैलेस में, जिसे सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है और ये पैलेस उदयपुर बस स्टैंड से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पैलेस को उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनवाया गया है, जो समुन्द्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस पैलेस को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। सफेद संगमरमर से बने इस पैलेस के निर्माण कार्य की शुरुआत सन 1884 में मेवाड़ राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह जी ने की थी और महाराणा सज्जन सिंह जी का असामयिक देहांत होने के बाद इस पैलेस का निर्माण कार्य उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का निर्माण मानसून में बादलों का अध्ययन करने और बारिश का अनुमान लगाने के लिए करवाया गया था, और बारिश के मौसम में राज परिवार के सदस्य यहाँ का सुंदर नज़ारा देखने के लिए आते थे। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस को अब म्यूजियम बना दिया गया है और इस म्यूजियम में सज्जनगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी में पाए जाने वाले पक्षियों के फोटोज और उनकी जानकारी प्रदर्शित हैं, और यहाँ पर अनेक सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें बंदर का शिकार करता हुआ तेंदुआ और शत्रुमुर्ग प्रमुख हैं। इस पैलेस तक पहुँचने के लिए पहाड़ियों के बीच से निकलता हुआ यह घुमावदार रास्ता बहुत ही रोमांचित करता है। इस पैलेस से सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, और मानसून के समय यहाँ का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। बारिश के मौसम में बादलों से ढकी पहाड़ियों और पहाड़ियों से बहने वाले सुंदर झरने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इस खूबसूरत पैलेस को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। इस पैलेस को देखने के लिए 155 रुपये टिकट शुल्क लिया जाता है, और पैलेस तक पहुंचाने और वापस टिकट काउंटर तक छोड़ने के लिए 106 रुपये कार का किराया लिया जाता है। उदयपुर में घूमने के लिए और भी अनेक खूबसूरत स्थान हैं, जिनमें सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, सहेलियों की बाड़ी और महाराणा प्रताप स्मारक प्रमुख हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप उदयपुर कब जाने वाले हैं हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।